मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एसएनबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स सब्जेक्ट में जो लेसन 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चल रहा है, उसमें हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ कुछ पढ़ रहे हैं। ग्राफ पर इसमें एक ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स लास्ट है। इस कोसेक इनवर्स एक्स पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ के बाद उसका जो होगा डोमेन क्या होगा, कोसेक एक्स कोई फंक्शन है उसका रेंज क्या होगा, इसके बाद ये जो डोमेन रेंज देख लेंगे तो उसमें हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसका जो 1 1 2 फंक्शन बनने के लिए क्या इसका इंटरवल बन रहा है। ये सब उसके टोटल ब्रांचेज के बाद हम लोग तब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच है, वो देखने के बाद इसका हम लोग इनवर्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो होगा क्लास 10 क्लास 12 मैथ्स और ये जो लेसन है लेसन 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। लेसन 2 तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस पर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, मिटा देते हैं, ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। तो वाई एक्सिस हो गया है ना, तो इस पर जो एंगल जो वाई बराबर एफ एक्स का है और यह था कोसेक एक्स था बच्चों। तो एक्स का मान जब हम लोग इस पर दे रहे हैं तो यह डोमेन दे रहा था और जो यह वाई का जो मान है वह रेंज दे रहा था। इस पर क्या दे रहा था, इस पर तो डोमेन देगा और इस पर क्या आ रहा था, यह रेंज आ रहा था इसका, है कि नहीं बच्चों। तो अब अगला अगर देखें हम लोग तो पाई से लेकर के अगला अगर देखें तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे है ना, तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या देगा बच्चों, यह देगा कि 3π/2 देगा। तो आगे का ही होगा 3π/2 आएगा, आगे जो आएगा यहां पर 2π आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी हम लोग देख सकते हैं, इधर क्या होगा कहीं -3π/2 आएगा और इधर कहीं -2π आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या यहां से कि पाई से 2π के बीच में अब यह देखा जाए कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा, है ना। पाई से 2π के बीच में आप लोग देखे होंगे कि 0 यहां से देखिए 0π/2 पाई 3π/2 यहां से 2π और इसके बाद 2π में π/2 जोड़ेंगे तो 5π/2, इसके बाद यहां पर 3π में π/2 जोड़ेंगे तो 7π/2 होगा और यहां पर हो जाएगा कितना 7π/2 में जोड़ेंगे तो ये 4π देगा, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कोसेक का चिन्ह, क्योंकि ग्राफ कोसेक एक्स का है तो कोसेक का चिन्ह हम लोग देखेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में कोसेक का चिन्ह, किस किस ग्राफ में कोसेक का चिन्ह प्लस होता है और किस में इसका माइनस होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपका प्लस होगा कोसेक का मान, इसमें भी प्लस होगा और इन दोनों में क्या होगा माइनस होगा, है ना बच्चों। तो अब देखें हम लोग कि पाई से 2π है ना, तो पाई से लेकर के
पाई से लेकर के टू पाई, अगर हम लोग इधर से चले पाई से लेकर के टू पाई चले है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको थर्ड में पड़ेगा और फोर्थ में पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक के मान जो होंगे वो क्या देंगे, माइनस में देंगे, है ना बच्चों। इसका मतलब यह जो है पाई से लेकर के टू पाई के बीच में यह जो देगा, यह जो देगा माइनस देगा, इसकी भाई निगेटिव देगा। इसका मतलब यह एक्स अक्ष से नीचे ग्राफ बनेगा, करेक्ट बच्चों। अब थ्री पाई बाई टू का मान देखें, तो थ्री पाई बाई टू का मान जो आएगा माइनस वन आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग माइनस एक लिख लेते हैं, माइनस एक पर आएगा, और यहां से भी एक लकीर हम ऐसे बना दें। तो यह भी ग्राफ अब आप लोग समझ गए होंगे, यहां से यानी कोई ग्राफ ऐसे पाई से यानी इनफाइनाइट से है, यहां से इनफाइनाइट से आएगा और वह आते आते फिर एक होगा और फिर इसके बाद वह इनफाइनाइट तक चला जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहां से मैं माइनस टू पाई टू पाई, अब देखो इसको ऐसे समझिए कि माइनस पाई से लेकर के माइनस टू पाई का मतलब यह हो गया। देखिए अब यह आपको एक्स अक्ष से ऊपर ग्राफ बनेगा कि नीचे बनेगा, तो आप लोग नेगेटिव सिंबल से आप लोग देख सकते हैं वह धनात्मक आएगा यानी कि ऊपर बनेगा। जैसे आप लोग समझे ना, जब नेगेटिव चलेंगे तो यह जीरो माइनस पाई बाई टू है ना, माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू है ना, माइनस टू पाई है ना, यह आपको क्लॉक वाइज चलते हैं, तो क्लॉक वाइज चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, तो माइनस टू पाई इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो माइनस पाई से लेकर के माइनस टू पाई, माइनस पाई से लेकर के माइनस टू पाई के बीच में हम ऊपर चलेंगे ऐसे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें दोनों में कोसेक का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यह एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ बनेगा, यानी यह इनफाइनाइट, यहां इनफाइनाइट से यह आएगा और यहां पर थ्री माइनस थ्री पाई बाई टू का मान एक होगा, है ना। इसका मतलब बच्चों यह ग्राफ या ऐसे ऊपर से ऐसे इनफाइनाइट से आएगा और यहां से होते होते यह फिर इनफाइनाइट की तरफ यह चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों का ग्राफ ये तैयार हो गया, ठीक है। यहां से ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग कि कोसेक एक्स का अगर कोई फलन दिया है तो उसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे और उसका हम लोग रेंज क्या लेंगे, यहीं से आप लोगों को समझना है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको बिठा देता हूं, एक्स एक्सिस। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसका यह देखें कि कोसेक एक्स, जैसे मैं यहां से लिखता हूं कि कोसेक लिख दिया, कोसेक सच दैट है ना, सच दैट। अब इसमें जो है जो इसका डोमेन देगा, यह डोमेन क्या होगा, ये जो एक्स दे रहा था यह डोमेन था है ना, और ये जो वाई दे रहा था यह रेंज दे रहा था। तो डोमेन हम लोग देखेंगे कि कहां से कहां तक हम लोग लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से इधर तो माइनस इनफाइनाइट होगा और इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट से हम लोग अगर ऐसे लिखें कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है कि नहीं, तो इसी को हम लोग रियल नंबर भी लिखते हैं या इसको हम लोग रियल नंबर आर भी लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने का। वाई बराबर कोसेक एक्स, हम लोग इसका डोमेन निकालने जा रहे हैं। तो डोमेन का मतलब यह एक्स की वैल्यू यानी जो एंगल है वह मान हम लोग कौन कौन ले सकते हैं इस फलन में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा, परंतु है ना, अर्थात हम लोग यहां से लिख सकते हैं आर है ना, परंतु परंतु इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन से ग्राफ छूट जा रहा है ना। जैसे देखिए जीरो छूट रहा है, यहां से पाई छूटेगा,
यहां से 2 पाई, क्योंकि यहां पर मास इनफाइनाइट आ रहा है, यह देखिए -2 पाई हो गया है कि नहीं, इस तरह से लिखा। तो यह वाला मान हम लोग को निकालना है, तो हटाने का मतलब कि इसको हम लोग व्यापक रूप में लिखें, तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस, और यहां लिख देंगे x सच दैट x बराबर m पाई लिखते हैं, m पाई लिखते हैं, और m पाई का मतलब जहां m क्या है विलांश को z करते हैं यानी पूर्णांक लिखते हैं, तो यह आ जाएगा डोमेन आएगा, यह डोमेन होगा है ना, यह डोमेन आ गया इसका। तो अब देख लीजिए, अगर कैसे लिखिए, अगर यम की जगह पर यहां से इंटीजर है तो 0 लिखेंगे तो 0 लिखेंगे तो 0 दे देगा, यम की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 पाई दे देगा, यह घट जाएगा, यम की जगह पर 2 लिख देंगे तो 2 पाई, यानी रियल नंबर में से यह वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अच्छा अब तो यह हो गया, अब इसका रेंज की बात करते हैं, इसका रेंज क्या है ना, अब इस पर समझिए, आप लोगों ने डोमेन तो देख लिया कि यहां से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होगा, उसमें से यह वाला एंगल हम लोग निकालना पड़ेगा, और इसलिए रियल नंबर में से जो रियल नंबर में से यह वाला वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो जो आएगा वही कोसेक एक्स का डोमेन कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हम लोग देख रहे हैं कि यह इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है, यहां से इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट है ना, तो उसमें जो माइनस पहले लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अर्थात रियल नंबर लिख दें, यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि रियल नंबर, परंतु इसमें से देखिए यह वाली जो वैल्यू है यहां से जो 1 आ रहा है, 1 से नीचे कोई भी कोशिक का मान नहीं दे रहा है, उस फलन का मान जो है इस 1 के नीचे नहीं आ रहा है, और यहां से -1 से ऊपर कोई मान इधर नहीं दे रहा है ना बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे कि कौन सा वैल्यू जो फलन का मान आएगा, कोशिक एक्स का जो फलन का मान आएगा यानी जो वाई का मान आएगा, वाई का मान जो है -1 तो आ सकता है, 1 तो आएगा, मगर इसके इसके बीच में है कि नहीं, जैसे इन दोनों को 1 और -1 को छोड़ करके इसके बीच की जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग उसको निकाल देंगे और यहां से लिखेंगे -1 से लेकर के 1 तक यह इसका यह रेंज आ जाएगा, यह रेंज आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने यह देख लिया कि इसका डोमेन और रेंज हम लोग कोसेक एक्स का पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका जरा सा इंटरवल देखा जाए कि कहां कहां पर किस किस अंतराल पर किस किस एंगल के बीच में यह जो कोशिक एक्स यानी कोशिक फलन जो दिया हुआ है वहां 1-1 आन टू फंक्शन बनेगा। अब हम लोग जब 1-1 आन टू फंक्शन की बात करें कि कहां कहां के बीच में बनेगा ये, है ना बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए कि यहां से देखिए -π/2 यहां से 0 है, यहां से π/2 है, तो देखिए 0 से लेकर के पाई के बीच में तो अगर हम लोग एक्स का मान हम लोग यहां से लिखें, जैसे यहां से x का मान यहां से यह वाली 45 अंश पर ले लीजिए, इधर कहीं 90 से ऊपर भी होगा यानी 135 होगा, तो 135 और 45 पर दोनों का मान बराबर देगा, देख लीजिए यहां से मान लीजिए ये 45 अंश पर लिख देता हूं और यहां पर मैंने लिख दिया 135 अंश, तो यह 45 अंश और यह 135 अंश है कि नहीं, तो इस पर दोनों का x का मान तो हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं मगर y का मान एक हो रहा है, तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा फलन है, मगर जब उसका इनवर्स लेंगे तो वो नहीं बनने देगा, है ना बच्चों, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे, इसलिए इसको हम लोग इसके बीच में 1-1 आन टू फंक्शन नहीं बनेगा, है ना, तो बनेगा किसके बीच में। अब देखिए यहां से देखिए -π/2 से पाई के बीच में चले, जैसे मान लेता हूं कि
यहां से माइनस पाई बाई टू हमने लिया और यह हमने पाई ले लिया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में यह ग्राफ इधर चल रहा है, इधर यह ग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, तो यह ग्राफ समझिए इधर चल रहा है और यह वाला देखिए जीरो से पाई बाई टू के बीच में यह ग्राफ इधर आ रहा है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, मान लीजिए है बच्चों, तो यह जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है किसके किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में, यह जैसे जैसे हम लोग डोमेन जो भी एक्स की वैल्यू लेंगे यानी एंगल का मान लेंगे तो उस फलन का मान जो आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू का एक ही जब वो जब एंगल में जब उसके कोसेक के या डोमेन जब एक होगा उसका रेंज एक देगा तो इसका मतलब उसका इनवर्स फंक्शन भी बन सकता है। इसलिए हम लोग माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन के लिए है ना, एकाएकी आच्छादक फलन के लिए डोमेन का मान हम लोग देखा जाए, है ना। यहां से डोमेन का मान हम लोग देखा जाएगा कि क्या मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां से जैसे माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू यह आ रहा है। अच्छा, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी लिया जा रहा है ना, ये तो होगा ना, इस पर एक तो इसका ये होगा। और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये जो जीरो का मान है, जीरो है जो जीरो डिग्री है ना, जो रेडियन या जीरो रेडियन है, तो इसका मान तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब इस पर तो यह इनफाइनाइट और परिभाषित मान हो रहा है, इसलिए इस मान को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो यहां से इसको सेट के माध्यम से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई और उधर माइनस जीरो हो गया। और अगर देखें हम लोग अगला अगर देखें तो पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक ब्रांच बनेगा, यह जो बनेगा पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक यह ब्रांच बनेगा इसका, और इंटरवल होगा, और उसमें से कौन सा घटेगा बच्चों, माइनस पाई इसमें से घट जाएगा, निकाल देंगे है ना। माइनस पाई बाई टू से ये इधर ग्राफ चल रहा है, ये इधर ग्राफ चल रहा है, तो यहां पर ये वन वन आन टू फंक्शन बनेगा, है ना बच्चों। अब इधर की बात करिए, अगर हम लोग देखें कि यहां से देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे चल रहा है और ये वाला ग्राफ ऊपर चल रहा है, मान लीजिए है ना। तो यहां से देखिए माइनस पाई बाई टू यानी माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में चले, तो यहां से माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू, मगर इसमें से कौन सी वैल्यू घटेगी, माइनस पाई जो है क्या हो जाएगा इसमें, यह निकल जाएगा, माइनस पाई के मान को हम लोग निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से यह जो एकाएकी आच्छादक फलन यानी वन वन आर टू फंक्शन के लिए ये तमाम शाखाएं बनेंगी, है ना, यह शाखाएं जो है यह बन रही है, ये जो शाखाएं बन रही हैं ये तमाम शाखाएं आपको बन जाएंगी, किसका बन रहा है, वन वन आर टू फंक्शन के लिए जो डोमेन है इस पर आपको इस डोमेन के अंतर्गत मानी कि डोमेन में आपको वन वन आर टू फंक्शन बनेगा, करेक्ट बच्चों। तो आप में उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट करें। अब हम इस पर और बढ़िया की बात करेंगे, अब हम लोग इसका इनवर्स की बात करें, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें, मिटाते हैं बच्चों, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं।
अब हम लोग चलेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग जब चलेंगे बच्चों, तो अब जो यह डोमेन था यह तो रेंज में बदल जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं इधर से। अब हम लोग चलेंगे यहां से, हम लोग लिख रहे हैं यह एक्स एक्सिस और यह एक्स डैश हो गया। यहां से कहीं वाई मैं बना दे रहा हूं इस पर वाई एक्सिस, है ना। तो ध्यान देना है, अब देखना वाई बराबर जो आएगा यह कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, है ना। इसका मतलब जो होगा कि जो इस पर अब आएगा, जैसे या तो आपको जो एक्स होगा, है ना, ये जो मान आ रहा था, जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखता हूं कि कोसेक पाई बाई फोर, है ना, तो कोसेक पाई बाई फोर का मान कितना देगा ये, है कि नहीं, 45 अंडर टू देगा, अंडर टू मान ये दे रहा है कि नहीं, ये अंडर टू दे रहा है। तो कोसेक पाई बाई फोर अंडर टू दे रहा है, तो पाई बाई फोर करीब लिखेंगे तो ये कोसेक इनवर्स अंडर टू होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। तो यही कहने का मतलब है कि जो पहले एंगल था उसमें, है कि नहीं, और यह वाई बराबर तो जो एंगल था वो डोमेन हो रहा था, है ना, और यह क्या बन रहा था, यह रेंज बन रहा था। यह पहले जो कोसेक एक्स में देख रहे थे, ध्यान देना, तो यह डोमेन दे रहा था, यह डोमेन की वैल्यू हो रही थी, है ना, और यह क्या हो रहा था, यह रेंज हो रहा था, है ना। मगर जब इनवर्स की बात करेंगे, है ना, तो यह एक्स की वैल्यू जो यह आएगी, अब यह डोमेन हो जाएगा, यह डोमेन ना होगा बच्चों, और यह जो हो जाएगा यह रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों, तो इसी तरह से जब आप इनवर्स पर चलेंगे तो डोमेन जो होगा यह मान जो होगा यहां से देगा, अर्थात यहां पर हम लोग जीरो, यहां एक कहीं लिख दे, यहां कहीं दो लिख दे, यहां कहीं तीन लिख दे, अर्थात डॉट डॉट डॉट, और यह इनफाइनाइट तक चलेगा इधर। ठीक है, इधर अगर चलेंगे हम लोग तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे माइनस चार और डॉट डॉट, यह माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं जीरो से लेकर के कहीं पाई बाई टू लिख दे, है ना, और कहीं यहां पर पाई लिखते हैं हम लोग, है ना, फिर कहीं पाई में पाई थ्री पाई बाई टू होगा, फिर कहीं मान लीजिए ऊपर हम लोग लिख दे रहे हैं कि टू पाई लिख दे रहे हैं, इधर इधर टू पाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू लिखेंगे, माइनस पाई लिख देंगे, यही ना, माइनस थ्री पाई बाई टू होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख रहे थे कि कोसेक जीरो पर जो था, है ना, कोसेक जीरो का मान जो हम लोग देखे थे, यहां से कोसेक जीरो का मान जो हम लोग देखे थे वो क्या था, कोसेक जीरो का मान अगर हम लोग देखे थे तो अब हम लोग यह बात करते हैं। चलो बच्चों, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से किसका मान एक हो रहा था, तो कोसेक 90 का मान जो हो रहा था एक हो रहा था, इसका मतलब जो कोसेक 90 यानी एक पर एक का मान, जैसे मैं यहां पर अगर एक लिखूं तो कोसेक इनवर्स 1 लिखूं तो यहां से पाई बाई टू देगा कि नहीं देगा, देगा ना बच्चों। जैसे मैं यहां से लिखूं कि कोसेक इनवर्स 1 लिखूं तो इधर क्या देगा, ये पाई बाई टू देगा, यही ना देगा बच्चों। तो अगर हम लोग एक लिखें तो यह पाई बाई टू आएगा, यानी यहां पर आ जाएगा, है कि नहीं।
और जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा था है कि नहीं, तो यहां से पाई बाई टू से जब देखें, यहां से यह मान घटते हुए जा रहा था और इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो यह मान इधर से घटते हुए यह इनफाइनाइट तक चला गया। और पाई पर भी यहां हम लोग देख रहे थे, यहां से देख रहे थे, तो यह पाई पर भी यह मान इनफाइनाइट तक चला जा रहा था है कि नहीं। इसी तरह से इधर देखिए, जीरो पर आपका इनफाइनाइट दे रहा था, पाई पर भी इनफाइनाइट दे रहा था है कि नहीं। इधर की बात करें तो माइनस एक किस पर दे रहा था, कोशेक माइनस पाई बाई टू पर दे रहा था, तो यहां से अगर माइनस पाई बाई टू पर चले तो यहां पर एक आ जाएगा है ना बच्चों, एक आएगा। और यहां से क्या होगा कि यहां से यह माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेगा, अर्थात यह इनफाइनाइट से इधर से आएगा और इनफाइनाइट यानी माइनस एक होते हुए यह इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने क्या देखा कि यहां से माइनस पाई बाई टू है और यह जो है माइनस पाई बाई टू है, यह ग्राफ हम लोग का बन गया। किसका ग्राफ बना है, कोसेक इनवर्स यक्स का ग्राफ बना बच्चों, कोसेक इनवर्स यक्स का ग्राफ बना। इसमें भी तमाम ब्रांचेज होंगी मगर जो प्रिंसिपल ब्रांच है वह कहां से कहां तक होगा यह हम लोग देखा जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच जो होगा, देखिए माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू हम लोग लिखे थे, ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है कौन सा था, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू माइनस जीरो ये कैसे हुआ था, अब ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग डोमेन देखें और इसका हम लोग रेंज देखें ठीक है बच्चों। अब समझने की बात यही से है, अब हम ये सब बिता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम अगर लिखें कि कोसेक इनवर्स लिखें है ना, तो डोमेन तो यह देगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक देगा, अर्थात हम लोग रियल नंबर लिख दे माइनस माइनस। अब क्या होगा, रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा मगर यह वाली जो माइनस एक से एक के बीच की वैल्यू नहीं ली जाएगी, तो यह हो जाएगा माइनस एक से लेकर के एक के बीच की वैल्यू नहीं ली जाएगी ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यह हो गया क्या, अब तो यह हो गया डोमेन हो गया कोसेक इनवर्स का, यह डोमेन हो गया, यह डोमेन हो गया है ना बच्चों। अब इसका रेंज की बात करते हैं, तो इसकी रेंज जो आएगी क्या आएगी है कि नहीं, जो रेंज आएगी, जो देखिए रेंज आएगी माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई के बीच में आएगी, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में यानी क्लोज इंटरवल, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों इंक्लूड होगा मगर उसमें से कौन सा घटेगा है ना। यहां देखिए इसे जीरो डिग्री जो था यह वाला हम लोग देखेंगे माइनस, अब देखिए क्या इसमें से निकलेगा बच्चों, माइनस जो है जीरो डिग्री यह निकल जाएगी है ना, यह वाला जो एंगल है वो जीरो वाला क्या होगा यह निकल जाएगा ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो रियल माइनस या माइनस वन और वन हम लोग लिख रहे हैं इसकी बात करते हैं ठीक है बच्चों। तो अब जो कोसेक इनवर्स का जो ग्राफ बना यानी कि यह वाला देखिए इसको छोड़ दीजिए ऊपर का, तो यह वाला जो इंटरवल है जिधर चल रहा है यह वाला जो चल रहा है ग्राफ, और इधर से जो ग्राफ यह आ रहा है यह इतना यह बन रहा है इसको मान लीजिए है ना, तो जो माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में यह तो दे रहा है रियल नंबर, यह रियल नंबर इसके डोमेन दे देगा और यह क्या देगा बच्चों, यह रेंज दे देगा ठीक है। हम आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए।
चले बच्चों, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसको समझा दे रहा हूं, यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो रियल नंबर में से यह घटा रहे हैं इसको क्या मतलब इसका होगा और इसको कैसे इसको लिख सकते हैं। इसे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई एक वास्तविक संख्या रेखा है, ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा है और यहां पर जीरो हो गया, यहां पर मान लीजिए एक हो गया, यहां पर दो है और यहां पर तीन है। मान लीजिए यहां मैं लिख देता हूं माइनस एक, माइनस दो और माइनस तीन लिख दिया, ठीक है। और मैं यह कहूं कि माइनस तीन से तीन के बीच में हम लोग कैसे मान ले रहे हैं, ध्यान देना। देखिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, माइनस दो ऐसे बना दे रहा हूं, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर मैं कहूं कि माइनस एक से लेकर के माइनस तीन तक की वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है। तो माइनस एक से लेकर के माइनस तीन का मतलब कि हम तो यह पूरा रंगेंगे इसको ना, माइनस एक से लेकर के माइनस तीन की जो वैल्यू है सबको इंक्लूड करेंगे हम, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या क्या लिखा है कि माइनस तीन से लेकर के माइनस एक तक हम लोगों ने लिख लिया, और माइनस एक और माइनस तीन भी लिया गया, सब कुछ करेंगे। यह हो गया माइनस तीन से लेकर के माइनस एक, दिखाई दे रहा बच्चों, माइनस तीन से लेकर के माइनस एक हम लोग इधर लिख लिए। हम लोग लिखते हैं एक से लेकर के तीन, मान लीजिए इधर लिख लेता हूं, एक से लेकर के तीन तक की वैल्यू हमको इधर लेनी है, ये सब आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने एक से लेकर के तीन तक हमने इधर भी ले लिया और इसको क्लोज इंटरवल में, मतलब एक और तीन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर कहें कि माइनस तीन से लेकर के तीन तक लिखे, मगर माइनस एक से एक के बीच की जो वैल्यू हो उसको हटा दीजिए, तो ये तो हट गई, ये तो हट गई बेटा ना। देख लो, माइनस तीन से माइनस एक की वैल्यू हम लोग इधर ले लिए और एक से लेकर के तीन तक वैल्यू हम लोग इधर ले लिए, और हम लोग यह कहें कि इन इन्हीं दोनों वैल्यू को लेना है। तो हम लोग एक होता है यूनियन सेट, यह यूनियन हम लोग इसको जोड़ दिया है कि नहीं। तो यह जो है सम्मिलन समुच्चय हो गया, यह यूनियन सेट है, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन सेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, माइनस तीन से माइनस एक की वैल्यू लिया और एक से लेकर के तीन वैल्यू लिया और उसको हम लोगों ने सम्मिलन कर दिया। या हम लोग इसको और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि माइनस तीन से लेकर के तीन तक हम लोग क्लोज इंटरवल कर रहे हैं, ठीक है। माइनस तीन से लेकर के तीन तक हम लोग क्लोज इंटरवल कर दिए, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस तीन से लेकर के तीन तक हम लोग लिखते हैं और उसमें से हम लोग घटा रहे, उसमें से हम लोग निकाल रहे, कौन कौन सा निकालेंगे, माइनस एक से लेकर के और एक के बीच की वैल्यू, माने जिस चीज को हम लोग नहीं रंगे हैं वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक से लेकर के एक वाली वैल्यू हम लोग इसको निकाल देंगे, है ना। तो इसको लिखने का दो तरीका हो गया, है कि नहीं। या तो हम लोग ऐसे लिखें, है ना, या हम लोग इसको ऐसे लिखें, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, यह जो हम लोग लिखे हैं कि कोशेक इनवर्स का जो मान हम लोग लिखे हैं वो इसी रूप में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं कि रियल नंबर जो था, देखिए समझो बेटा, समझो इसी को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा कि यह वास्तविक संख्या रेखा पर इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक है और इधर जो है इनफाइनाइट तक है, है कि नहीं। इधर देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल के अंदर कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में लिखेंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में हम लोग लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि यह निश्चित वैल्यू तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे। और इसी को या इसी को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी रियल नंबर हो गया। तो हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख लिए,
रियल नंबर हम लोगों ने लिख लिया है कि नहीं। अब उसमें से क्या करेंगे, अब उसमें से क्या करेंगे हम लोग, किसको घटाएंगे, माइनस एक से लेकर के एक, यानी माइनस एक से लेकर के एक वाली वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल के रूप में इसको हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। या हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन, इसको लिखने का तरीका और देखो, या हम लोग इसको और इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों ध्यान दें, इसको लिखने का एक तरीका और हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक हम लोग लिखें, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन तक लिखें, है कि नहीं। और माइनस वन जो है इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल लिख दें, और यह जो हो जाएगा ओपन इंटरवल इधर से, है ना। तो इस तरह से हो गया सेमी ओपन इंटरवल, यह हो गया, यानी यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के एक तक हम लोग इधर लिख दिए, और इसके बाद एक से लेकर के इनफाइनाइट तक इधर लिख दें। तो यहां से हम लोग लिख दें एक से लेकर के इनफाइनाइट तक हम लोग इधर लिख दें, ठीक है बच्चों। और इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग यूनियन से जोड़ दें, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत मेन चीज समझने की बात थी बच्चों, ग्राफ में ये सब छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, अगर ये पॉइंट समझ में आ जाए ना तो कैलकुलेशन में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, कैलकुलेशन को लगा लगे, मगर हर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से हम लोग जो रियल नंबर लिखे थे, रियल नंबर में से जो या आपको डोमेन बनाए थे, ये कैसे हमने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसको हम लोग जैसे या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को ही हम लोग रियल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में से इसको हम लोग हटा दिए, इस तरह से निकाल दिए, तो यह आपका पूरा डोमेन इसका मिल गया कोसेक इनवर्स का, है कि नहीं। या हम लोग इसको लिखने का तरीका और था कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक ऐसे लिखे, और इधर एक से लेकर के इनफाइनाइट तक इधर ले, है कि नहीं बेटा, समझ में आ गया। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर कुछ समझ में आया होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आप लोगों ने देखा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, है ना, और वहां से प्रॉपर्टी के बाद सवाल हम लोग, मगर ये ग्राफ जरूर आप लोग, इसके ग्राफ में जो है जो आपका जो फलन जो दिया गया था साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का, इस फलन का जो डोमेन है, जो रेंज है, वह आप लोग जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में यह पूछता है, उसका डोमेन बताइए फलन का, उसका रेंज बताइए, उसके जो ब्रांचेज है उसको बताइए, ब्रांचेज के अलावा जो उसका प्रिंसिपल ब्रांच है, हर फलन का अलग अलग प्रिंसिपल ब्रांच है, उसको कभी परीक्षा में पूछ देता है। जो साइन का, टैन का, सेक कोसेक का फलन है, यह पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने आपको दोहराया है इस चीज को। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुरू करने से पहले उस फंक्शन को भी मैंने बताया, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बच्चों, है ना। अब इनवर्स में चलेंगे तो उसमें भी डोमेन है, रेंज है, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सब आप लोगों ने देखा उसमें, है कि नहीं। तो हमें यकीन है, विश्वास है कि आप लोग घर पे जरूर पढ़ रहे होंगे, और आप लोग उसको समझ करके नोट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बना रहे होंगे आप लोग, है ना। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।